दिनेश कार्तिक को बीसीसीआई ने थमाया नोटिस। बीसीसीआई ने उन्हें यह नोटिस कैरेबियन प्रीमियर लीग की टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स के एक प्रमोशन इवेंट में शामिल होने के कारण दिया है। टीम इंडिया के इस तेज गेंदबाज ने दी जान से मारने की धमकी। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज मुन्ना पटेल पर वडोदरा क्रिकेट हितरक्षक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सुरती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरती ने नवापुरा पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है। संजू सैमसन की तूफानी पारी से इंडिया ए की शानदार जीत। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की आतिशी पारी के बुद्ध भारत ए ने बारिश से प्रभावित पांचवें और आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए को 36 रन से हरा कर श्रृंखला 4-1 से अपना नाम की। जीत के बाद शाहरुख ने पाकिस्तान गेंदबाज को लगाया गले। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद हसैन ने सीपीएल के अपने पहले ही मैच में 3 विकेट झटक कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। इस प्रदर्शन से खुश अभिनेता शाहरुख खान ने हसनैन को गले लगा लिया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।